पाकिस्तान ने पहली मर्तबा 1948 में लंदन में होने वाले ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था और उसके बाद से अब तक ओलंपिक गेम्स में हिस्से के लिए एथलीट्स भेजे हैं। ये वीडियो जिस पाकिस्तानी हीरो के बारे में है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रोशन किया और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। मेरा नाम मोहम्मद खलील अख्तर है और मैं ज़िला राजनपुर का रहने वाला हूँ। मैं 2002 में ये आर्मी में सेलेक्ट हुआ था और उसी में ही ट्रेनिंग करते हुए फिर ये 2003 में इस टीम में शामिल हुआ था, शूटिंग टीम में। तो उसमें फिर मतलब कि दो स्टेज होते हैं, एक जूनियर स्टेज है और एक फिर सीनियर होता है। पहले तो हम लोग जूनियर स्टेज में जाके कंपटीशन करते हैं, फिर जाके अगर वो अच्छा हुआ तो फिर जाके सीनियर टीम में सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें फिर कंपटीशन होते हैं कि इंटर सर्विस कंपटीशन है, फिर नेशनल कंपटीशन है, फिर इंटरनेशनल कंपटीशन है। तो सबसे 2003 में मैं आया था इस टीम में और 2004 में मैंने पहला मेडल लिया था। तो उसके बाद फिर इसमें ज़्यादा मुझे ख्वाहिश लगी कि इसी टीम में अभी मेहनत करनी है और इंशाल्लाह आगे जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते करते अभी ओलंपिक गेम तक पहुँच गए इंशाल्लाह, जो सबसे बड़ा इवेंट होता है दुनिया का। तो ये मेरे लिए यानी कि बहुत अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है कि मैं इस टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ और ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। अख्तर ने 2016 में मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में चांदी का तमगा जीता था। उन्होंने इंडिया में जनूबी एशियाई खेलों में चांदी का तमगा जीता। 2018 में उन्होंने गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया और छठे नंबर पर रहे। अब तक वो पाकिस्तान के लिए 101 कौमी और बैन अल-अक़वामी मेडल्स जीत चुके हैं। ये तो पहले तो इतना ख्वाहिश नहीं होती थी, लेकिन आराम आराम से मतलब पहले जिस तरह इंटर सर्विस कंपटीशन होता है कि ख्वाहिश होती है कि यार इंटर सर्विस टीम में भी सिलेक्ट होंगे, वो सिलेक्ट हो गए, उसमें मेडल ले लिए, उसमें चैम्पियन भी रहा है कि बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि मैं अपने इवेंट में जिस तरह होता है कि सबसे ज़्यादा मेडल जो लेता हूँ उसको बेस्ट खिलाड़ी शूटर बेस्ट शूटर यानी कि अनाउंस करते हैं, तो वो भी रहा हूँ। उसके बाद फिर नेशनल इवेंट होते हैं तो नेशनल में ख्वाहिश होती है कि यार नेशनल में सेलेक्ट होंगे, तो नेशनल इवेंट में भी सिलेक्ट हुआ हूँ और उसमें भी मेडल लिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर इंटरनेशनल तौर पे कि दुनिया में जो बाकी कंपटीशन होता है, वर्ल्ड कप हो गया, एशियन चैम्पियनशिप होगी, कॉमनवेल्थ गेम होगी या ओलंपिक गेम होगी, तो ये दिल में ख्वाहिश थी कि इसी तरह कंपटीशन आउट जाके कंपटीशन भी खेलेंगे। तो वो अल्लाह किया कि साथ साथ मेहनत भी करते रहे और उसमें सिलेक्ट हो गए हैं आउट कंपटीशन जो हम लोग वर्ल्ड कप या बाकी गेम खेलते हैं। मैंने 2003 में इस टीम में शामिल हुआ था और 2004 में पहला मेडल लिया था। उसके बाद फिर साउथ एशियन गेम इंडिया हुई थी 2016 में, उसमें सिल्वर मेडल जीता था। फिर इस्लामिक गेम हुई थी अजरबैजान में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया था। फिर नेपाल में 2019 में साउथ एशियन गेम हुई थी, उसमें एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज लिया था। तो इधर वैसे इंटरनेशनल और नेशनल टोटल मिला के 101 मेडल हैं मेरे पास। खलील अख्तर 2020 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं और उन्होंने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश की थी। राजनपुर में पैदा होने वाले एथलीट खलील अख्तर ने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम की, क्योंकि वो ओलंपिक्स गेम्स का कोटा जीतने वाले पहले निशानेबाज बन गए। स्पोर्ट तो सारे ही करते हैं, जिस तरह इस टीम में शामिल हो गए हूँ तो जिस तरह एक टीम का सीनियर होता है तो उन्हें मुकम्मल फ्री हैंड दिया हुआ है कि जितना भी आपने जो भी ट्रेनिंग करनी है, जितना अम्बिशन फेयर करना है, तो वो यानी कि इन्होंने अच्छा किया हुआ था। लेकिन इससे अच्छा ये हुआ है कि इंटरनेशनल तौर पर स्कॉलरशिप मिलती है इस इवेंट में जाने के लिए, ओलंपिक अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो सेलेक्ट होने के लिए वो स्कॉलरशिप देते हैं, तो मंथली वो हमें फ़ंड देते हैं ताकि उस हिसाब से मतलब अपना अम्बिशन भी चेंज कर सकते हैं, वेपन भी नए ले सकते हैं। तो वो स्कॉलरशिप मिली थी, उस वजह से हम लोग आउट भी काफ़ी यानी कि मैच खेले हैं, तो उससे फिर ये बेहतर भी हो गया ये हमारा, और उसी से ही फिर ये ओलंपिक के लिए यानी कि सिलेक्ट हुआ था। और ये पहली दफ़ा ही हुआ है कि ओलंपिक में इस तरह यानी कि मैच खेल के कोटा जीत के मैं यानी ओलंपिक में गए थे। के साथ साथ जिस तरह फैसिलिटी मज़ीद यानी कि हम लोग ट्रेनिंग करते रहे या नेशनल टीम में आ गए तो फैसिलिटी मज़ीद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी यह है कि हर चीज़ यानी मतलब इंटरनेशनल तौर पर जिस तरह होती है, टारगेट है, वेपन है, एमिनेशन, हर चीज़ हमें इंटरनेशनल तौर पर जिस तरह वो लोग इस्तेमाल करते हैं सेम उसी तरह हमें मिल रही है। मोहम्मद खलील अख्तर ऐसे हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत दी हैं।
लेकिन ये ऐसे हीरो हैं जिन्हें गुमनाम कर दिया जाता है। मेडल तो हर बंदा जीत सकता है, लेकिन ये कि दुआएं भी होती हैं बंदे की, वालदैन की दुआएं, बहन भाइयों की, उस्तादों की, तो जो खलूस नियत से सिखाते हैं, तो ये दुआएं जो होती हैं ना, ये बहुत असर करती है। बंदा खुद तो नहीं इतना कर सकता कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, ज़ोर लगा रहा हूँ, वो तो चल रहा होता है काम, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा होती है तो माँ बाप की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, इनकी दुआएँ होती हैं साथ, तभी बना के चलता है। एथलीट्स ऐसे आइडियल्स हैं जो इन चीज़ों की बुनियाद रखते हैं जो हमें मुतासर करती हैं, ख्वा वो आतिशबाजी की कहानियाँ हों या एथलेटिक इवेंट्स जैसे कि मेहनत की कदर, मुश्किलात पर काबू पाना, कुर्बानियाँ देना और एक दूसरे से मोहब्बत करना। खलील अख्तर की कहानी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक तहरीक है। वो इनके नक्शे कदम पर चलकर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं।